अस्सलाम वालेकुम जी। 24 जून ते जो पेपर जो इंटरमीडिएट कैटेगरी जो मॉर्निंग में उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो क्वेश्चन हो द चिल्ड्रेन आर सही है। हाँ इतने चे तो रियली इंजॉइंग देम सेल्स रियली इंजॉइंग देयर इंजॉइंग। हाँ जडे भी तुम इंजॉय हो जे नी ठीक है उनसा तुम ऑब्जेक्ट जरूर इन ठीक है ऑब्जेक्ट जरूर इन माना इतने ऐसो जैमें ऑब्जेक्ट है इनमें ऐसो ऑब्जेक्ट ना इनमें भी ऑब्जेक्ट ना इनमें भी ऑब्जेक्ट ना ऑप्शन कैमें ऑब्जेक्ट ऐसो चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन प्लुरल आ प्लुरल है देम सेल्स माना इन सा ऑब्जेक्ट है तो माना एंजॉइंग देम सेल्स ठीक है तो ऑप्शन पाजो बी इनमें करेक्ट है। इनमें तुम यूज दिना तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव उ वर्ब जो पा सा ऑब्जेक्ट खणन इंट्रांजिटिव उ वर्ब जो पा सा ऑब्जेक्ट न खणन ठीक है। अचो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसो हाँ बटी ऐसो उनमें चे तो द ओल्ड मैन सही है इज लुकिंग टायर्ड वॉज लुकिंग टायर्ड इज लुक्ड टायर्ड। हाँ एक गाल याद कर वर्ड ऑफ परसेप्शन जी माना कड़ा वर्ड जो लुक थी उसे वर्ड पा जी फील कर सकूँ जो लुक थी या सीम थी या अपीयर थी या हैव थी इन से पा सिंपल जो यूज कदा सिंपल टेंस कड़ा जी थी प्रेजेंट सिंपल यूज क्यों या पास्ट सिंपल यूज क्यों या फ्यूचर ठीक है। पर उनमें कंटिन्यूस फॉर्म कदें भी नहीं दो कंटिन्यूस फॉर्म नहीं दो। हाँ जिते कंटिन्यूस फॉर्म आ वो कटो ही दिसो इतने कंटिन्यूस फॉर्म आ माना ही पांजा ऑप्शन वेहाल दिसो हाँ पास्ट भी लिखो तई प्रेजेंट भी लिखो तई ठीक है। पर इनमें तई तजा पास्ट लिखो तई पर उनमें पैसिव वाइज में स्ट्रक्चर कई तई पर पैसिव वाइज एक्टिव वाइज लिखण पे चाहे तो पर इनकी पैसिव स्ट्रक्चर कई तई माना इनको ऑप्शन रो कड़ो रो डी ऑप्शन इनमें सिंपल प्रेजेंट रो द ओल्ड मैन लुक्स वेरी टायर्ड सही है या पास्ट में लिखा द ओल्ड मैन इज लुक न लिखा लुक्ड वेरी टायर्ड पो सेंटेंस सही हो जाए ठीक है। अचो हाँ नेक्स्ट दिसूँ 33 हाँ क्वेश्चन नंबर 33 में दिसो द गोड्स आर ग्रेजिंग। हाँ इनमें तूज दिना तड़ो जरंड इन्फिनेटिव सही है उनमें हों जरेंड होंगी जैसे नाउन तुम इंग फॉर्म में होजे ही वर्ब तुम टू फॉर्म में होजे सही है। उनमें इनमें जो बिजी सा एक्सप्रेशन आजो बिजी डूइंग समथिंग बिजी डूइंग समथिंग सही है। हाँ बिजी डूइंग समथिंग माना बिजी इतने रखी करे वर्ब जो तुम थर्ड फॉर्म रख डूइंग ठीक है। हाँ बिजी सा ग्रेजिंग छी कर ग्रास समथिंग माना ग्रेजिंग ग्रास ठीक है डूइंग समथिंग में कड़ा था अचन ग्रेजिंग ग्रास तो माना पा सही ऑप्शन कड़ो रो बिजी ग्रेजिंग ग्रास तो ऑप्शन कड़ो आज सही हाँ बिजिंग ना बिजी टो ना बिजी इन ना तो ऑप्शन पाँच सही कड़ो बिजी ग्रेजिंग ग्रास ठीक है। अचो 34 दिसूँ हाँ 34 में चे तो आई डोंट नो हाँ जडे भी अड़ा अचन नी माना उन डब्ल्यू एच वारा वर्ड या हाउ वारा वर्ड होता है उन्न पा इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है या कुड यू टेल मी वुड यू हेल्प मी हाँ पोया जो हों तो ए हाउ सा आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार इनमें ऑप्शन जो सही रो कड़ो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार ठीक है। ये पाँ कड़ा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अचो लास्ट दिसूँ एमसीक्यूज हाँ ही जो लास्ट आजो उनमें चे तो अवर टीचर हाँ गिव एंड टेक में आनमें चे तो जो पाजो कड़ो पवो टेक द टेस्ट ठीक है। हाँ दिसूँ टेक द टेस्ट कड़ो टेंस यूज क्यों वोंट टेक या तुम इज नॉट हाँ वोंट जडे पा फ्यूचर यूज कदा जडे पा स्पीकिंग दौरान तो को डिसाइड क्यों तो हाँ ही कदे पर को प्लैंड हों एक्शन तो उन प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज कदा तो हाँ टीचर जो प्लैंड आंदे कर ऑप्शन जो रो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट टेकिंग द टेस्ट टुडे ठीक है। इन वीडियो के इतने खत्म क्यों था बाकी ये असो चैनल मिस्टर बीएचपी उनते असा ये वीडियो अपलोड क्यों था जिके भी पास पेपर थे एसटीएस एसपीएस जिके भी पास पेपर फ्यूचर में थन्दा या पास में आन तुम उसी सोता असो फिल्म थैंक यू।